पिछले 24 घंटे से सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजस्थान में भी कांग्रेस का वैसा ही हाल होगा जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था, और जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी, क्या वैसा ही कुछ अब सचिन पायलट भी करने वाले हैं, और अशोक गहलोत की सरकार क्या वो गिरा देंगे? राजस्थान का नंबर गेम क्या है और क्या अशोक गहलोत की सरकार वाकई खतरे में है, इसे हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम कैसे अचानक से बदल रहा है और आज दिन भर राजस्थान में क्या हुआ। कल जब से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और युवा नेता सचिन पायलट की खुली नाराजगी की खबरें आई और ये कहा जाने लगा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके टकराव में सुलह का रास्ता नहीं निकाला गया तो वो अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, इसके बाद से ही राजस्थान की राजनीति में लगातार उठापटक चल रही है। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली NCR में आ गए तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई। दिल्ली से कांग्रेस ने अपने 4 नेताओं की टीम जयपुर भेजी क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है और इन 30 विधायकों के बिना राजस्थान में कांग्रेस का सरकार चलना नामुमकिन है। सचिन पायलट के बारे में यह खबर आई कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह BJP में भी जा सकते हैं, लेकिन अब तक बार बार उनकी तरफ से इसका खंडन किया गया है। उधर पायलट के दबाव के बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपना शक्ति परीक्षण के प्रदर्शन किया और कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखाकर ये संकेत दिया कि लड़ाई गहलोत ही जीतेंगे, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विश्वास कितना मजबूत है या उन्हें कितना डर है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बस में लेकर गए और उन्हें दिल्ली जयपुर हाईवे के पास एक रिजॉर्ट में ठहरा दिया। यानी राजस्थान में भी अब कांग्रेस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने पर मजबूर हो गई है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान के नंबर गेम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए खबर बहुत अच्छी नहीं है। अब तक उनकी सरकार 123 विधायकों के समर्थन से चल रही थी जिसमें कांग्रेस के 107 विधायक थे, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक, RLD का 1 विधायक और 13 विधायक निर्दलीय थे। लेकिन अब जो नया नंबर आ रहा है उसके मुताबिक इन 123 विधायकों में गहलोत के पास अब सिर्फ 101 विधायक ही बचे हैं। जो 22 विधायक बागी हुए हैं उनमें सचिन पायलट के खेमे के 19 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक हैं। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में सरकार बचाने के लिए 101 विधायक चाहिए, इसलिए इस नंबर गेम को आप समझ लीजिए। राजस्थान में 200 विधायकों की विधानसभा है, 200 सीटों की, और सरकार बनाने के लिए 101 का नंबर चाहिए। लेकिन खतरा यह है कि जिस भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन गहलोत सरकार को था उसने भी अब अपने हाथ खींच लिए हैं, यानी एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास सिर्फ 99 विधायकों का समर्थन रह गया है। लेकिन अशोक गहलोत के लिए चिंता की बात यह भी है कि इन बचे 99 विधायकों में भी कई विधायकों के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि इनमें से कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ जा सकते हैं। यानी सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के लिए वाकई बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन जो लोग अशोक गहलोत को जानते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत बड़े और तजुर्बेकार नेता हैं, उन्होंने ऐसी बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत मुसीबतें देखी हैं, जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं उनका यह भी कहना है कि अशोक गहलोत सरकार तो अपनी बचा ले जाएंगे लेकिन सचिन पायलट का अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब कांग्रेस दुविधा में है और उसकी दुविधा यह है कि एक तरफ दिल्ली में सचिन पायलट से बातचीत के संकेत दिए जा रहे हैं, कहा गया है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में बीच बचाव कर रही हैं, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा अब सचिन पायलट से बात करेंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में सचिन पायलट पर भी निशाना साधा जा रहा है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यानी इशारा जो है वो सचिन पायलट की तरफ है। इसका मतलब यह है कि अशोक गहलोत इस लड़ाई में किसी भी कीमत पर सचिन पायलट से हारना नहीं चाहते और ये संदेश दे रहे हैं कि पार्टी उनके साथ है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इस समय कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के साथ है और वो अशोक गहलोत पर भी विश्वास करके आगे चलेंगे। लेकिन यहां पर खबर यह नहीं है कि राजस्थान की सरकार बचेगी या जाएगी,
यहां पर खबर यह भी नहीं है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। जो बड़ी बात है, जिसमें ये जो आप चाहे किसी शहर किसी राज्य में रहते होंगे, आपके लिए जो समझने की बात है वो ये है कि अब एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और अब सचिन पायलट ने यह बगावत की है। और यह बगावत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह बगावत है कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार के शासन के खिलाफ, और वो है गांधी परिवार। ये दोनों जो युवा नेता हैं, अब इनके मन में ये बात आ रही है कि इनके भविष्य को राहुल गांधी जैसा नेता कैसे तय कर सकता है, ये क्यों राहुल गांधी की बात मानकर आगे चलें, क्योंकि दोनों जानते हैं कि राजनीति में इनका भविष्य आगे चलकर बहुत उज्जवल है और कांग्रेस में जो गांधी परिवार है वो किसी को भी पनपने देगा नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर अपने विधायकों की संख्या दिखाकर अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट का कहना है कि मुख्यमंत्री का बंगला बहुमत साबित करने की सही जगह नहीं है, बहुमत विधानसभा में साबित किया जाता है। कांग्रेस ने दावा किया है कि विधायक दल की बैठक में 109 विधायक पहुंचे, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से यह कहा गया कि अशोक गहलोत अपने साथ जितने विधायक होने का दावा कर रहे हैं उनके पास असल में उतनी संख्या है नहीं। अब सचिन पायलट के पास तीन विकल्प बचे हैं। पहला विकल्प यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद सचिन पायलट मान जाएं और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने पद पर बने रहें। इसके बदले में शायद उनकी कुछ शर्तें कांग्रेस पार्टी मान ले। हो सकता है उन्हें आगे चलकर यह वादा किया जाए कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है, यह बार्गेन हो सकता है। दूसरा विकल्प उनके पास यह है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं और बीजेपी में अपना भविष्य तलाशें, लेकिन यह विकल्प तभी होगा जब वो अशोक गहलोत की सरकार गिराने की स्थिति में होंगे, तभी बीजेपी में उन्हें वो सम्मान मिलेगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस स्थिति में थे कि वो कमलनाथ की सरकार को गिरा सकते थे। इसलिए बीजेपी में उनका भविष्य तभी उन्हें अच्छी बार्गेनिंग मिलेगी अगर वो ये सरकार गिरा पाए। तीसरा विकल्प यह है कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को तोड़ दें और एक क्षेत्रीय पार्टी बनाकर आगे की राजनीति करें, क्योंकि बार बार उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अब ये तीन बातें हो सकती हैं। इस बड़े घटनाक्रम पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं हम आपको आज दिखाएंगे। इसके बाद इस विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे और जैसा हमने आपको कहा था, अगर हम इसे सिर्फ राजस्थान की सरकार के आसपास रखेंगे तो यह विश्लेषण आपको बहुत छोटा दिखेगा, बात इससे कहीं बड़ी है। कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए, अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थिर है, कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण बहुमत है, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे, मोदी सरकार कितने भी प्रपंच रचे, भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स कितनी भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी का विचार में और व्यवहार में उसका आधार खत्म होता जा रहा है। उसका कारण है नेहरू गांधी खानदान, उस वंशवाद की परंपरा के आधार पर पार्टी चली, नई लीडरशिप उभरी नहीं और नई लीडरशिप में एक किस्म की उखलाट थी और उस वो ज्योतिरादित्य के रूप में मध्य प्रदेश में प्रकट हुई। और हम बहुत पहले से कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है। मुख्यमंत्री पद के सच्चे हकदार सचिन पायलट थे, उनका हक मार के अशोक गहलोत जी बने और तभी से इस पार्टी में अंतर्विरोध था और ये अंततः इस रूप में प्रकट हुआ। ये निश्चित है कि आज हम अपने सहयोगी दल के साथ में 75 हैं और बहुत लोग हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी, चाहे सचिन पायलट जी के साथ जुड़ के या किसी भी तरीके से कोई भी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बने ये हमारी कोशिश रहेगी।